गुरुग्राम पुलिस ने लोगों के साथ लूटपाट और छीना झपटी की वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और चार दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। नकाब पहने पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन बदमाशों पर लूटपाट और छीना झपटी के कई मामले दर्ज हैं। वैसे तो ये सभी आरोपी मूल रूप से नूह जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लूटपाट और छीना झपटी की वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम और सोहना जैसे इलाके इनके निशाने पर रहते हैं। ये आरोपी सवारियों को अपनी टैक्सी में बैठा कर किसी सुनसान जगह ले जाकर लूटपाट करते थे। आरोपी इतने शातिर हैं कि पहले इनमें से एक व्यक्ति ड्राइवर बनकर टैक्सी चलाता था और बाकी तीनों सवारी बनकर टैक्सी के अंदर बैठ जाया करते थे ताकि किसी को शक ना हो। पुलिस के मुताबिक पलवल के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसा ही किया, जिसके बाद पीड़ित की लिखित शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गुरुग्राम के उल्लावास गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। राहुल नाम का आदमी अपने घर जाने के लिए एक सवारी की लिए तलाश में था, तो एक गाड़ी उसको सोना में उसने हाथ दिया, उस गाड़ी ने उसको बिठा लिया। उसने पलवल जाना था तो उसको कहा चलो तुम्हारे को ले चलेंगे। रास्ते में जाके उसको उन्होंने कहा कि भी एकदम चाकू निकाल लिया और एक ने रोड मारी और कहा कि भी जो कुछ है निकाल। इनमें मुख्य आरोपी तस्लीम है, जो गुरुग्राम के उल्लावास गांव में टैक्सी चालक है, जिसे जिले के सभी इलाकों की जानकारी है। बाकी तीनों आरोपी रहीश, खुशी मोहम्मद और तारीफ इसके साथ रहकर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिसिया पूछताछ में जानकारी मिली कि इनके एक साथी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।